हेलो स्टूडेंट्स यू ऑल आर डूइंग गुड टुडे वी आर डूइंग चैप्टर नेम इंडिया लोकेशन एंड एक्सटेंट ओके इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया कि एशिया में जो इंडिया है उसकी पोजीशन कहाँ है और एक्सटेंट कितना है यानी नॉर्थ से साउथ और वेस्ट टू ईस्ट कितना एरिया इंडिया कवर करता है ओके नाउ कम टू द फर्स्ट टॉपिक दैट इज लोकेशन India is situated in the continent of Asia. It lies completely in the northern hemisphere and eastern hemisphere between latitudes 8 degree 4 north and 37 degrees 6 minute north, and longitudes are 68 degrees 7 east and 97 degree 25 east. India is divided by Tropic of Cancer at 23 and half degree north in almost two equal parts. The upper half has a temperate cooler climate and the lower half has a tropical climate the southernmost point of the indian union is known as indira point however that was submerged in 2004 tsunami in the southeast of india andaman and nicobar islands lie in the bay of bengal in southwest lakshadeep island lie in the arabian sea okay now come to the explanation india kaha located here india एशिया में लोकेटेड है ओके ईस्टर्न हामिसफेयर एंड नॉर्दर्न हेमिसफेयर में लोकेटेड है एंड इंडिया को एक लाइन डिवाइड करती है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को पास आउट करती है और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है एक आपका कूलर क्लाइमेट में और लोअर आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट में फाइन एंड इंडिया के पास क्या है बे ऑफ बेंगोल में दो आइलैंड्स हैं और एक आइलैंड है आपका लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में ओके कम टू द नेक्स्ट साइज़ ऑफ इंडिया India is enormous in size. As we discussed, it is the seventh largest country in the terms of land mass. The total area of India is 3.28 million square kilometer. India also accounts for 2.4% of the area on the globe with the land boundary of 15,200 kilometer and the coastal boundary that includes the islands in 7,516 kilometer. When we see the outline of India on the map, we can easily identify the natural features like young fold mountains bordering the country in the northern, northwestern, and northeastern borders of India. India jo hai tree size mein seventh largest country hai okay, or India ka total area hai that is three point two. मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर और इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है और जो कोस्टल बाउंड्री है जो पानी से घिरा हुआ है सी के साथ जो बाउंड्री टच होती है वो 7,516 किलोमीटर है ओके नाउ द ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच ऑफ इंडिया एंड द नॉर्थ साउथ स्ट्रेच ऑफ इंडिया अप्रोक्सीमेटली मेजर 2933 किलोमीटर एंड 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ की अगर हम बात करें तो कितने कितना एरिया है 2933 ओके एंड वेस्ट टू ईस्ट इज़ 3214 किलोमीटर सो ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच इज़ स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ स्ट्रेच ईस्ट वेस्ट का जो स्ट्रेच है इससे पता लगता है कि वो स्मॉलर है नॉर्थ साउथ स्ट्रेच से ओके okay? It is a huge distance between the eastern and western ends of the country that causes a lag in the local time of country. The difference of time between Gujarat and Arunachal Pradesh is 2 hours but both their clocks show the same timing. It is because India follows a standard time. India's standard time is along longitude 82 degree 30 east and it passes through the city of Mirzapur in Uttar Pradesh. इंडिया को वर्टिकली एक लाइन पास आउट करती है जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं दैट इज एट 82.30 डिग्री और कहाँ से पास आउट करती है ये यूपी से मिर्जापुर से पास आउट करती है ओके ये लाइन क्यों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है ईस्ट में वहाँ टाइम और जो गुजरात है वेस्ट में दोनों का टाइम डिफरेंस है टू आवर्स का लेकिन अगर सब अपने अपने स्टेट का टाइम फॉलो करेंगे तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है जैसे रेलवे चार्ट जो प्रिपेयर होता है या एयरलाइंस जो चार्ट प्रिपेयर होता है तो वो कन्फ्यूज़न हो जाएगी तो इस टाइम को इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो टाइम 82.30 डिग्री ईस्ट पर जो टाइम फिक्स होता है उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का नाम दिया गया है और पूरे इंडिया का जो टाइम है वो वहीं से मैच होता है ओके नाउ पॉलिटिकल डिविजन्स इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड नाइन यूनियन टेरिटरीज हैं ओके कम टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ द फर्स्ट स्टेट इज़ आंध्र प्रदेश एंड कैपिटल इज हैदराबाद सेकेंड अरुणाचल प्रदेश कैपिटल इज ईटानगर असम दिसपुर बिहार पटना छत्तीसगढ़ रायपुर गोवा पणजी गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया ओके गुजरात गांधीनगर हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश शिमला झारखंड रांची कर्नाटका बेंगलुरु केरला तिरुवनंतपुरम मध्य प्रदेश भोपाल महाराष्ट्र मुंबई मणिपुर इम्फाल मेघालय शिलोंग मिजोरम एजवाल नागालैंड कोहिमा ओडिशा भुवनेश्वर पंजाब चंडीगढ़ राजस्थान जयपुर एंड राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया सिक्किम गैंगटोक तमिलनाडु चेन्नई तेलंगाना हैदराबाद त्रिपुरा अगरतला उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तराखंड देहरादून एंड वेस्ट बंगाल कोलकाता ओके ये हैं हमारी स्टेट्स और ये हैं हमारी यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल फॉर एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार चंडीगढ़ दादर एंड नगर हवेली ये हमारी यूनियन टेरिटरी हैं और ये इनकी कैपिटल हैं, ओके एंड दिस इज आर इंडिया ओके नाउ फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया ये हमने बात की पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की इंडिया को कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी में बांटा गया है अब हम बात कर रहे हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन कहाँ रिलीफ फीचर्स के बारे में बात करेंगे इंडिया को कैसे माउंटेन प्लेट्यू प्लेन डेजर्ट में कैसे डिवाइड किया गया है फर्स्ट इज द नर्दन माउंटेन्स नर्दन माउंटेन्स का मतलब है हिमालयाज ओके okay? It stretches across northern India from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh, about 2,500 km, with the varying width of 240 to 320 km, forming Himalaya in the east-west direction, and its offshoots run in north-south direction along the India-Myanmar boundary, transversing through Nagaland, Manipur, and Mizoram, known as Eastern Hills. they represent the youngest and highest folded mountains of the earth formed by the tectonic collision of the Indian Plateau with the Eurasian Plateau जो आपके नर्दन माउंटेन है यानी हम बात कर रहे हैं हिमालय के बारे में हिमालय आपका जम्मू एंड कश्मीर से लेकर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है कितना किलोमीटर टू फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड किलोमीटर ओके okay? और जो आपके ईस्ट में हिल्स हैं मिज़ोरम हिल्स जिनका नाम है वो इंडिया की न्यू यंगेस्ट एंड हाईएस्ट फोल्डेड माउंटेन हैं जो कैसे बनी हैं जो बनी हैं टैक्टोनिक कॉलिजन से इंडियन प्लाट्यू और यूरेशियन प्लेट्यू के टेक्टोनिक कॉलिजन से आपस में मिलने से ये आपकी माउंटेन्स बनी हैं ओके अब बात कर रहे हैं हिमालय डिवीजन की फ़र्स्ट हिमालय को डिवाइड किया गया है क्योंकि हिमालय इतना ब्रॉड है उसको अच्छे से रीड करने के लिए हमने उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है फर्स्ट इज़ आउटर हिमालयस, आउटर हिमालय यानी कि शिवालिक सबसे लोअर जो रेंज होती है लो हिल्स जो हैं वो किस उसको काउंट होती हैं वो आउटर हिमालयाज़ में ओके एंड नेक्स्ट इज द लेसर हिमालयाज़ यानी द हिमाचल जो मिडल रेंज है वो आपकी हिमालयस में द हिमाचल जो है वो लेसर हिमालय में काउंट होती है इट जनरली कंजेस्ट ऑफ अनफोसिस्टर्स सेडिमेंट्स और मेटामोफर्स क्रिस्टेलाइन इम्पोर्टेंट रेजज इंक्लूडिंग द धोलादर पीरपरांजल नाग टिब्बा एंड महाभारत एंड मसूरी रेंज और उसके बाद है ग्रेटर हिमालयस यानी कि हिमाद्री जो हमेशा पूरे सालों साल बर्फ़ से कवर्ड रहती हैं सबसे जो टॉप लेयर है वो आपकी हिमाद्री की लेयर है ओके जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड वो कहाँ लाई करती हैं आपकी ग्रेटर हिमालय में लाई करती हैं ओके नेक्स्ट इज द ट्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय जो हैं इट इज़ कोल्ड द तिब्बतन हिमालय दिस रेंज कंजिस्ट ऑफ मेनली कराकोरम लद्दाख एंड कैलाश रेंज एंड पूर्वांचल हिल पूर्वांचल हिल्स जो यानी कि पूर्व में है ईस्ट में हैं लाइक अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा एंड ईस्टर्न असम वहाँ जो हिल्स फैली हुई हैं हिमालय का जो पार्ट है उनको पूर्वांचल हिल्स में काउंट किया गया है नेक्स्ट इज द ग्रेट प्लेन्स ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया कैसे बना है एल्युल डिपोजिट से बना है यानी जो नदियाँ अपने साथ पहाड़ों से सेडिमेंट बहा कर लेकर आती हैं वो वहाँ पर जमा देती हैं उस सेडिमेंट को और वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है उपजाऊ हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एल्युल सॉइल मिलती है एल्युल सॉयल से क्रॉप बहुत अच्छी ग्रो होती हैं तो ये जो आपके ग्रेट प्लेन्स हैं वो किससे बने हैं इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र और उनकी जो ट्रिब्यूटरी हैं जो अपने साथ वो सेडिमेंट बहाकर लेकर आती हैं, उनके डिपॉजिट से आपके ग्रेट प्लेन बने हैं अब जो नर्दन प्लेन्स हैं कौन कौन सी कंट्री कौन कौन सी स्टेट वहाँ काउंट करती हैं जैसे कि फर्स्ट है द भाबर भाबर द भाबर बेल्ट इज एडजन टू द फुट हिल ऑफ द हिमालयाज एंड कंजेस्ट ऑफ बोल्डर्स एंड पेबल्स विच हैव बीन कैरिड डाउन बाय स्ट्रीम्स एज द प्रोस्पेरिटी ऑफ दिस बेल्ट इज़ वेरी हाई द स्ट्रीम्स फ्लो अंडरग्राउंड भाबर जो रेंज है ग्रेट प्लेन्स की ये आपके बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे मिलेंगे पेबल्स मिलेंगे बड़े और छोटे छोटे पत्थर से मिलके बनती है जो स्ट्रीम्स झरने वगैरह जहाँ पर आप देखते हो उसके डिपोजिट से आपकी ये नर्दन प्लेन की ये डिवीज़न बनी है नेक्स्ट इज द तराई रेंज तराई प्लेन्स द तराई बेल्ट लाइज साउथ ऑफ द एडजेसेंट भावर भाबर रीजन एंड इज कम्पोज ऑफ न्यूर एलिवियम द अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स रीअपियर इन दिस रीजन तराई रीजन जो कि आपका भावर से थोड़ा सा नीचे है और ये किससे बना है ये जो बेल्ट है ये जो प्लेन है एलुवियल सोयल से मिल के बना है और जो अंडरग्राउंड स्ट्रीम है यहाँ पर दोबारा रीअपीयर हो जाते हैं नेक्स्ट इज़ भांगर भांगर बेल्ट कंजिस्ट ऑफ ओल्ड एलिम एंड फॉर्म्स द एलेवियल टेरिस ऑफ द फ्लड प्लेन्स जो फ्लड प्लेन है आपके वो भांगर रेंज में आते हैं क्योंकि यहाँ भी आपको एलिवियल डिपॉजिट मिलेगा नेक्स्ट है खद्दार खादर रेंज इट इज मेड अप ऑफ़ फ्रेश न्यूअर इज़ डिपोजिटेड बाय द रिवर्स फ्लोइंग डाउन द प्लेन जो रिवर्स बहकर आती हैं अपने साथ मिट्टी लेकर आती हैं उनके डिपॉजिट से आपकी ये खादर रेंज बनी है ओके okay? खादर जो बेल्ट है यानी जो प्लेन है वो आपके बने हैं नेक्स्ट इज द पेनेंसुलर प्लेट्यू पेनसुलर प्लेट्यू जो इंडिया का ये पार्ट है साउथ का तीनों साइड से वाटर से घिरा हुआ है ठीक है तो ऐसा लैंड लैंडमार्स जो तीन साइड से पानी से घिरा होता है उसको पेनिनसुला कहते हैं ठीक है थीके? तो इंडिया में ये क्या है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है जो कवरिंग एन एरिया ऑफ अबाउट 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर फॉर्म्स द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया सबसे पुराना और सबसे लंबा जो एरिया है वो आपका पेनन्सुला प्लेट्यू जो है इंडिया का वो कवर करता है इट इज़ बाउंडेड बाय द अरावलीज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड माइकल रेंजेज इन द नॉर्थ एंड हजारीबाग एंड राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट ये आपका मिलके क्या बनता है पेनंसुलर प्लेट्यू एंड पेनंसुलर प्लेट्यू जो है उसको भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है फर्स्ट इज सेंट्रल हाईलैंड सेंट्रल हाईलैंड जो आपका ये एरिया है सेंट्रल हाईलैंड है जो बीच का जो एरिया है जिसमें अरावली रेंज मालवा प्लेट्यू विंध्या रेंज बुंदेलखंड प्लेट्यू एंड बागेलखंड प्लेट्यू आपका काउंट होता है नेक्स्ट है ईस्टर्न प्लेट्यू ईस्टर्न प्लेट्यू छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड मेघालय प्लेट्यू उसके बाद है डेकन प्लेट्यू डेकन प्लेट्यू में कौन कौन से आपके हिल्स आती है महादेव हिल्स हैं कायमूर हिल्स हैं माइकल हिल्स हैं एंड वेस्टर्न घाट्स हैं नीलगिरी हैं, अन्नामलाई हैं, पलानी हिल्स हैं ये सारा एरिया जो है ये आपका मिलके क्या बनाता है डेकन प्लेट्यू बनाता है ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज कोस्टल प्लेन्स द कोस्टल प्लेन्स इज narrow coastal स्ट्रिप इन द वेस्ट फेसिंग अरेबियन सी the plain area between the western ghats and the arabian sea from the gulf of kutch and gulf of Khambat located on either side of the kathiawar peninsula is called gujarat plains and to the south the coastline is more rugged it is called the konkan coast up to the goa from these from there onwards in Karnataka it is the Kanara coast. Further south, the part that lie in the Kerala is called Malabar coast till Kanyakumari and the southern tip of the Indian mainland. The east coastal plains is border and more continuous than the west coastal plains, lies between the eastern Ghats and the Bay of Bengal.

तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और जो आपका ये पार्ट है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एज डिस्क्राइब्ड हिय ओके नाउ द द डेजर्ट इंडियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ अरावली हिल्स आल्सो नोन एज थार्ड डेजर्ट इट इज द नाइन्थ लार्जेस्ट डेजर्ट इन दर्ल्ड द रेनफॉल रिसिव इज बिलो वन फिफ्टी पर year the vegetation in the Thar is semi-arid type with thorny bushes. The rivers are ephemeral and only Luni is a significant river. Thar desert आपका, ये आपका कौन सा desert है? Thar desert, जो राजस्थान का desert है, उसको Thar desert के नाम से जाना जाता है Indian desert को, and ये जो है आपका नाइन्थ लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है रेनफॉल जो है 150 सौ पचास एम एम से भी कम होती है एनुअल रेनफॉल और वेजिटेशन यहाँ ना के बराबर हैं सिर्फ सेमी एरिड टाइप होती हैं जो पानी में कम पानी में सर्वाइव कर सके और कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं सिर्फ वही ग्रो होती हैं यहाँ पर केकटे आपको पता होगा जो डेज़र्ट में ग्रो होता है और यहाँ पर सिर्फ एक ही रिवर है लूनी रिवर जो वहाँ पर एक पानी का सोर्स है ओके नाउ द आइलैंड्स बहुत सारे इंडिया में आइलैंड्स हैं छोटे और बड़े मिलाकर काफी आइलैंड्स हैं जो वोल्केनो से बने हुए हैं एक आपका है लक्षद्वीप आइलैंड और एक है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो 36 सिक्स कोरल आइलैंड्स का एक ग्रुप है दे आर लोकेटेड इन द कोस्ट ऑफ केरला दीज आइलैंड्स आर मोस्टली फ्लैट एंड हार्डली अ फ्यू मीटर अबो सी लेवल सी लेवल से थोड़ा सा ही ऊपर हैं ये और कोस्ट ऑफ केरला में लाई करते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है ये बहुत बड़ा ग्रुप है आइलैंड्स का जो बे ऑफ बेंगोल में लाई करता है और कितने आइलैंड्स हैं इसमें इट इज ए ग्रुप ऑफ 324 हंड्रेड ट्वेंटी फोर आइलैंड अंडमान आईलैंड आर सेपरेटेड फ्रॉम द निकोबार आईलैंड बाय द टेन डिग्री चैनल और अंडमान एंड निकोबार ये दो आईलैंड हैं, दो ग्रुप हैं अंडमान और निकोबार को एक चैनल यानी वॉटर बॉडी सेपरेट करती है टेन डिग्री चैनल दे आर मोस्टली रग्ड माउंटेनियस हिल्स एंड कंसिडर सब मस्ट पार्ट ऑफ अराकोनियमा फोल्ड बेल्ट अराकोनियमा फोल्ड बेल्ट जो है उसका एक सब मस्ट पार्ट है ये और ये क्या है रग्ड माउंटेनियस हिल्स हैं ओके कम टू द लेटेस्ट रिवाइज इंडिया इज सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इंडिया कहाँ सिचुएटेड है कौन से कॉन्टिनेंट में एशिया में इंडिया इज एनॉमस इन साइज इट इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म्स ऑफ लैंड मास। द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज थ्री मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है ये इन द टर्म्स ऑफ लैंड मार्क्स और टोटल एरिया क्या है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इज़ अलोंग लॉन्गिट्यूड 82.30 डिग्री ईस्ट इट पासिस थ्रू द सिटी ऑफ मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर सिटी है उसे एक लाइन लॉन्गेट्यूड पास आउट करता है जिसको हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का नाम दिया है

स्ट्रेटिग्राफी एंड रिलीफ फीचर्स द इंडिया मे बी डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविज़न और फिजियोग्राफिक डिविज़न में इंडिया को अलग अलग, अलग पार्ट में बांटा गया है जैसे कि नर्दर्न माउंटेंस ग्रेट प्लेन्स पैनन्सुलर प्लेट्यू कोस्टल प्लेन्स और द थार डेजर्ट एंड द आईलैंड्स ओके आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे